नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निषाद ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। मैंने जो है पिछले कुछ वीडियो से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में सचेस्ट हो चुका हूं, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जितने भी प्रतियोगी छात्र हमसे जुड़ रहे हैं और जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आप सबसे पहले आकर के चैनल को सब्सक्राइब कर करके हमसे जुड़ जाइए। क्यों जुड़ जाइए? क्योंकि मैं जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए यूट्यूब पर एक ऐसा चैनल होगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो मैं किस स्ट्रेटजी पर काम कर रहा हूँ और कहाँ से, मैंने कल आपको एक वीडियो दिया था, आज ही सुबह वीडियो अपलोड हुई है। वो उस वीडियो में था कि जीएस में जो है 50 क्वेश्चन, जीएस में 50 क्वेश्चन कैसे कवर करें और लूसेंट को किस तरीके से पढ़ें, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 50 क्वेश्चन जीएस के आएंगे। तो आप जान ही रहे होंगे, तो 50 क्वेश्चन मतलब 50 मार्क, 50% आपका इसी जीएस से कवर होने वाला। अगर आपका जीएस तगड़ा होगा तो आप समझ के चलिएगा कि आपका जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। अगर आपका जीएस कमज़ोर होगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था लूसेंट पढ़िए और एसएससी के सामान्य ज्ञान का घटना चक्र आपको करना है, पूरे क्वेश्चन आपको करना है। और मैं संकल्पित हो गया हूँ कि मैं जितने भी 17, 1800, 2000 क्वेश्चन हैं एसएससी के सामान्य ज्ञान में, जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं, सभी कुछ आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा। आज मैं जो है भारतीय इतिहास के 40 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, और वो सभी क्वेश्चन एसएससी के सामान्य ज्ञान के हैं, ठीक है। मैं एसएससी की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इस बार जो एग्जाम करा रहा है, पिछले बार भी एग्जाम एसएससी ने ही कराया था, इस बार भी एसएससी ही एग्जाम कंडक्ट करा रही है। अर्थात एसएससी के जो पुराने टेंडर हैं वहाँ से देखेंगे आप एसएससी के क्वेश्चन पेपर, तो पिछले वर्ष के प्रश्न जो है रिपीटेड होते रहते हैं इसमें, ठीक है। तो जो करंट अफेयर की बात होती है तो करंट अफेयर की अलग बात होती है, लेकिन जो और इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और इस सब के क्वेश्चन होते हैं, वो सभी क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीटेड होते हैं। और रिपीटेड होने की बात ही छोड़िए, आप जो है अगर क्वेश्चन आंसर सीरीज करेंगे तो आपका जीएस थोड़ा सा इंप्रूव होगा। और मैंने बताया है कि लूसेंट को आपको किस तरीके से पढ़ना है, डेली 2 पेज लूसेंट पढ़ते रहिए। और एसएससी के घटना चक्र का डेली मेरा 2 वीडियो जाएगा, ठीक है। एसएससी के घटना चक्र सामान्य ज्ञान का डेली 2 वीडियो जाएगा, उस दोनों वीडियो को पढ़ करके आनंद लेते रहिए। चलिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मिशन की तैयारी, यहाँ पर देखिएगा मैंने एक मिशन डाला है, मिशन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020, एक सीट हमारी है, हमारी और आपकी है। एक सीट के लिए हमें जद्दोजहद करना है। मैं पढ़ रहा हूँ तो अपनी सीट के लिए पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो इसे मान करके आप पढ़िएगा, 5846 पद को देखकर मत पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करता हूँ, आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर क्वेश्चन लगाए जाएंगे, क्वेश्चन को देखिएगा, उसके बाद आंसर सुनिएगा, मैं आंसर खुद दूंगा, और उसके बाद एसएससी का घटनाचक्र के संपूर्ण सिलेबस आपके सामने कवर कराया जाएगा, ठीक है। इतिहास का क्वेश्चन है, चलिए सो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पूरा पाषाण काल, बी है मध्य पाषाण काल, इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इतिहास का जो एकदम प्राचीन वाला युग है, प्राचीन काल है, आरंभिक काल है, उसे पूरा पाषाण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल। जब आप इतिहास की शुरुआत करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, पूरा पाषाण काल। यहाँ पर जो है पूरा पाषाण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्राचीन काल में इसी काल में जो है पत्थरों के बारे में लोग जानना शुरू किए थे। ध्यान रखिएगा, इसी काल में पत्थरों के बारे में लोग जानना शुरू किए थे, पत्थर से औजार बनाना शुरू किए थे, इसीलिए पूरा पाषाण काल इसे कहा जाता है। आसानी से हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करूंगा और देखते रहिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? आपके सामने क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है तेलंगाना, बी है कर्नाटक, सी है ओडिशा, डी है मध्य प्रदेश। जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है मध्य प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मध्य प्रदेश। कहां पर? भीमबेटका गुफा जो है मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है, भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका की गुफाएं पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आएंगे। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले बनाए गए थे? किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है नवपाषाण काल, बी है पूरा पाषाण काल, सी है लघु पाषाण काल, डी है मध्य पाषाण काल। जो इसका राइट आंसर है, मैंने अभी भी पहले क्वेश्चन में बताया था, पत्थरों का काम जो है, पत्थर बनाने की कला जो है पूरा पाषाण काल से ही शुरुआत हुई थी। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर डी सही है,
पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाने शुरू हो गए थे। ठीक है, तो तीन क्वेश्चन हो गया है, चलिए चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी। जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे एक बार, थोड़ा सा मैं ये चाहूंगा कि आप जो है सिंधु घाटी सभ्यता थोड़ा सा देख लीजिएगा कहीं से। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता देखने के बाद क्वेश्चन बनाएंगे, वैसे नहीं भी क्वेश्चन बनाएंगे तो भी आपके सामने ऑप्शन वाला क्वेश्चन आएगा, तो आप इलिमिनेट करके ऑप्शन सही कर पाएंगे। ठीक है, तो केवल आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत है। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी होती थी, ऑप्शन नंबर ए है चौड़ी और सीधी, बी है तंग और मैली, डी है फिसलन वाली, तंग और टेढ़ी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सही है, चौथे का ऑप्शन नंबर ए सही है। ध्यान रखिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता की गलियां होती थी वे चौड़ी होती थी और सीधी होती थी, अर्थात वो मिट्टी की नहीं होती थी, वो एकदम प्लेन, जिस तरीके से आज की सड़कें काली सड़कें बनती हैं उसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता में भी सड़कें बनाई जाती थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है सिंधु घाटी सभ्यता, बी है मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी है फारस की सभ्यता, डी है मिस्र की सभ्यता। जो इसका ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, पांचवें का जो ऑप्शन नंबर ए है वही सही है। जो नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध सभ्यता थी वो थी सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, आपसे अगर पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता में दो नगर बहुत ही महत्वपूर्ण थे, एक थी हड़प्पा, इसे ध्यान रखिएगा, एक हड़प्पा था एक मोहनजोदड़ो था। यहां से कभी कभार क्वेश्चन पूछा गया है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था, इसे ध्यान रखिएगा, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन आगे इस तरीके के लगेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ में आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, हड़प्पा अलग नदी के तट पर पाया जाता है, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित था। किस नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित था, और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित था। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना हो इस वजह से इस क्वेश्चन को मैंने करा दिया, और इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं रावी, झेलम, ब्यास, सतलज, जिसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। यह क्वेश्चन एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड बी की परीक्षा में 2010 में पूछा गया था। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे वो सभी जो है एसएससी के क्वेश्चन होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों अभी मैंने बताया मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगर हड़प्पा की बात की जाए तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है, यही इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं जो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल पड़े। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो महल और अट्टालिकाएं और जो मकान प्राप्त हुए थे उसमें कुछ शब्द लिखे गए थे। ठीक है, तो उस शब्दों को आज तक पढ़ा नहीं गया है, वो शब्द किस तरीके से लिखे गए थे, किस लिपि में थे, आज तक नहीं पता चला है। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, आठवें का ऑप्शन नंबर सी सही है, अज्ञात है। आज तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को किसी व्यक्ति ने पढ़ नहीं पाया है, आज तक अज्ञात है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए है रेगिस्तान का टीला, बी है नदी मुख भूमि का टीला, डी है मृतकों का टीला, डी है जीवन का टीला। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो जिसका सिंधी, देखिए ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है, और मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, इसे ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो का ही अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है, मृतकों का टीला होता है मोहनजोदड़ो का अर्थ, इसे ध्यान रखिएगा। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला हुआ करता था। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, नौवें का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में जरूर पूछे जाएंगे। चलिए अगर आपसे बात की जाए कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, तो दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में
1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने किया था। किसने किया था? राखाल दास बनर्जी ने किया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने किया था। और अगर बात की जाए हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो हड़प्पा की खोज दोस्तों दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था, वही 1921-22 में किए थे लोग, ठीक है। यहां से क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था और हड़प्पा की खोज किसने किया था। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने किया था और हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। ध्यान रखिएगा, इसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? मोहनजोदड़ो में जब आप मोहन सिंधु सभ्यता को पढ़ेंगे तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा जो नगर था, सबसे बड़ा जो भवन था, वो था विशाल स्नानागार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कौन सा क्वेश्चन है? दसवां क्वेश्चन है। दसवें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन जो है विशाल स्नानागार था। यहाँ पर जो है स्नान किया जाता था, एक कुंड की तरह बना हुआ था। समझ में आ रही है आपके सामने? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ से मिला। अभी अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन, देखिए एसएससी में एक ही क्वेश्चन कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं, उसका जो साक्ष्य है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए एक टाइप के दो क्वेश्चन, वही क्वेश्चन दो तरीके से घुमा करके आपके सामने दिया गया है। ध्यान रखिएगा, इसे ग्रेट बाथ कहा जाए या विशाल स्नानागार कहा जाए, वो सभी जो है कहाँ से पाए गए थे? तो मोहनजोदड़ो से पाए गए थे। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ध्यान रखिएगा, इसे इसका जो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, 11वें का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक महत्वपूर्ण रचना थी, एक मूर्ति बनाई गई थी, वो किसकी मूर्ति थी? ध्यान रखिएगा, इसे ऑप्शन नंबर ए है नटराज की मूर्ति, बी है नृत्य करती हुई महिला, सी है बुद्ध की मूर्ति, डी है नरसिम्हा की मूर्ति। इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, 12वें का ऑप्शन नंबर बी सही है। नृत्य करती हुई महिला की एक मूर्ति मिली थी। ध्यान रखिएगा, नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति, ठीक है, यही इसका राइट आंसर है। एक महिला मिली थी जो इस तरीके से खड़ी हुई थी, वही मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो में मिली थी, ठीक है। मोहनजोदड़ो में मूर्ति मिली थी, इसे ध्यान रखिएगा। और यह मूर्ति नृत्य करती हुई महिला की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की महत्वपूर्ण एक रचना हुआ करती थी। समझ में आपको? चलिए आगे चलते हैं। देवी माता की पूजा किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है आर्य सभ्यता से, बी है भूमध्य सागरीय सभ्यता से, सी है सिंधु घाटी सभ्यता से, डी है उत्तर वैदिक काल की सभ्यता से। जो इसका राइट आंसर है वो है सिंधु घाटी सभ्यता से। किससे है? सिंधु घाटी सभ्यता से। ऑप्शन नंबर सी सही है, 13वें का ऑप्शन नंबर सी सही है। देवी माता की पूजा संबंधित थी, तो देवी माता अर्थात देवी जी में, देखिए सिंधु घाटी के जो लोग थे वो मातृ प्रधान थे, अर्थात वो माताओं की ज्यादा सम्मान करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में किसी ज्यादा देवता की ज्यादा पूजा नहीं होती थी, सबसे ज्यादा पूजा देवी माताओं की होती थी, काली जी की, भगवती जी की। उस समय जो माताएं थी उनकी ही ज्यादा पूजा होती थी, ध्यान रखिएगा। अर्थात आज जो है इसका साक्ष्य नहीं मिल पाया है किस देवी को पूजा करते थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर अर्थात बंदरगाह कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट लगा करके आप इसे याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में पत्तन जो है बंदरगाह, वो बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है कालीबंगा, बी है लोथल, सी है रोपड़, डी है मोहनजोदड़ो। जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वो है लोथल। लोथल में बंदरगाह पाया गया था। और इसे आसानी से अच्छी तरीके से याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह मिला था वो लोथल नगर से मिला था, ठीक है। वहां पे जहाजे आके खड़ी होती थी, माल आया जाया करता था। अर्थात इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग व्यापार जो है विदेशों से भी करते थे। समझ में आया ना आपको? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम ऐसे ही क्वेश्चन अगला भी दिया गया है। एसएससी किस तरीके से क्वेश्चन को घुमा के पूछती है, देखिए। आगे है लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? यहां पे ध्यान रखिएगा, किस सभ्यता का लोथल मालघाट था अर्थात बंदरगाह था। यहां पर भी सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन देखिए घुमा दिया गया है।
इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सिंधु घाटी सभ्यता का था। अभी अभी मैंने बताया सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था, ध्यान रखिएगा इसे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के एक बंदरगाह शहर के नाम से जाना जाता है? फिर वही क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, ऑप्शन नंबर इसे आप बताइएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 16वें का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या है? लोथल नगर को सिंधु घाटी सभ्यता का जो है बंदरगाह कहा जाता था, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा, ध्यान रखिएगा चार चीजों को आपको याद रखना है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये जो प्रमुख है, प्रमुख नगर यही थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा, यही चार जो है महत्वपूर्ण स्थान थे, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब आपसे पूछा गया है लोथल क्या था, मैंने बताया लोथल एक बंदरगाह शहर था, मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला हुआ करता था और यहां से विशाल स्नानागार की प्राप्ति हुई है, कालीबंगा क्या था, कालीबंगा ऑप्शन इसमें दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है चट्टान कटौती की वास्तुकला, बी है बंदरगाह, सी है कपास की खेती, डी है मिट्टी के पात्र। इसका जो राइट आंसर है, कालीबंगा जो है मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध थी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यहाँ पे मृदभांड मिलते थे, उसे जो है थोड़ा सभ्य भाषा में मृदभांड कहा जाता है, मिट्टी के बर्तन, ठीक है। कालीबंगा से मिट्टी के बर्तन बहुत ज्यादा मिले थे, इसीलिए कालीबंगा प्रसिद्ध हुआ। चलिए यह क्वेश्चन जो है CPSI में आया था, 2 जुलाई 2017 प्रथम पाली में पेपर आया था, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। तो ऐसे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन यहाँ के कराए जाएंगे सभी क्वेश्चन SSC पूछा गया है और एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको दिल्ली पुलिस में देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? ऑप्शन नंबर ए है कृषि, बी है व्यापार, सी है चार उपचाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, डी है बढ़ईगिरी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, आपको सिंधु घाटी सभ्यता में एक शहर मिला जिसे बंदरगाह के शहर के नाम से जाना जाता था, जो था लोथल। लोथल क्या था? बंदरगाहों का बंदरगाह लोथल में पाया गया था। तो आप इससे थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अधिकतर लोग किससे संबंधित रहे होंगे। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर लोग जो है व्यापार से संबंध करते होंगे, ठीक है, व्यापारी थे, अधिकतर लोग व्यापारी थे वहां के। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा इसे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? आपसे पूछा गया है कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए है सोना, बी है तांबा, सी है चांदी, डी है लोहा। जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वो है लोहा, ठीक है। लोहा जो है हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाया गया था, सोना चांदी तांबा पाया गया था लेकिन लोहा नहीं पाया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अंदाजा लगाइए आज के समय में सोना चांदी इतना महंग हो गया है कि लोगों के लिए आम आदमी के बस की बात नहीं है, 50,000 के ऊपर सोना जा रहा है, 10 ग्राम सोना 50,000 कीमत, तो आम लोगों की बस की बात नहीं है, हमारे और आपकी हिम्मत नहीं है खरीदने की, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता में सोना चांदी के बर्तन में लोग खाते पीते थे, तो समय की स्थिति, आज समय की स्थिति क्या थी, भले वो लोग जो है थोड़ा सा ज्यादा सभ्य नहीं हुए हो, थोड़ा सा ज्यादा जो है कट नहीं हुए थे कल्चरिस्ट, ठीक है, तो लेकिन तब सोना चांदी तांबा ये सब आम बात थी। आगे है सेतुबुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? आपसे पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता का एक नाम सेतुबुई भी है, ध्यान रखिएगा प्रश्न में दिया गया है सेतुबुई, प्रश्न आपके सामने होगा, प्रश्न बहुत ही अच्छे से आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा, उसे देखिएगा, हमारी टीम बैठ करके प्रश्न को डिस्प्ले कर रही है, समझ में आया आपको। चलिए सेतुबुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है भारत में, बी है पाकिस्तान में, सी है अफगानिस्तान में, डी है तिब्बत में। जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स, आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों अफगानिस्तान में स्थित है। कहां पर स्थित है? अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता स्थित है। अर्थात जब 1921-22 में भारत, जब 1921-22 के भारत की बात करें तो भारत से पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, पाकिस्तान हमारा हिस्सा हुआ करता था, तो अर्थात भारत के बॉर्डर, भारत और
अफगानिस्तान के बॉर्डर पर ये चीजें मिली थी, और जो आज के क्षेत्र में कहां पर है, अफगानिस्तान में है, ध्यान रखिएगा। समझ में आया आपको? 1921-22 का भारत एक अखंड भारत था, अलग हुआ भारत नहीं था, ध्यान रखिएगा इसे, ठीक है। तो सेतु हुई मुंडी का, सिंधु घाटी सभ्यता में पूरा स्थल क्षेत्र है जो अफगानिस्तान में स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कहां पर स्थित है? तो अफगानिस्तान में स्थित है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन सामने, कुछ वन लाइनर पॉइंट भी दिए गए हैं जिसे मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दे करा रहा हूँ, डिस्प्ले कर दीजिएगा। वन लाइनर इसमें दिए गए हैं, मैं सीधे सीधे पढ़ के आपको बता देता हूँ, ये भी क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं। जैसे पहला है, ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता इंद्र है। अगला है, उपनिषद पुस्तकें कैसी है? उपनिषद पुस्तकें जो है दर्शन के आधार पर बनाई गई है। आगे है, चार जाने माने वर्णों में से पहले स्थान पर कौन सा वर्ण आता है? जब आप वर्णाश्रम व्यवस्था को पढ़ेंगे तो सबसे पहला जो वर्ण 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 मतलब जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला वर्ण बनाया गया था, उसमें सबसे उत्तम प्रवृत्ति के ब्राह्मण माने जाते थे, उसके बाद क्षत्रिय थे, उसके बाद वैश्य थे, उसके बाद शूद्र थे, ध्यान रखिएगा इसे। अगला है, श्रीमद् भगवद गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो श्रीमद् भगवद गीता जो है महाभारत का एक पार्ट हुआ करता था। आगे है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है, क्योंकि सामवेद में ही गायन के माध्यम से मंत्रोच्चार का नियम बताया गया है। वहां पे जो मंत्रोच्चार किया जाता है वो गा करके किया जाता है, अर्थात गायन विधि भारतीय संस्कृति का गायन विधि का आदि ग्रंथ सामवेद है। कितने वेद है? चार वेद है। आप चारों वेदों का नाम जानते होंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को मिला करके इन्हें वेद त्रयी कहा गया है, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी कहा गया है, अथर्ववेद को अलग से बनाया गया था, पहले तीन वेद बने थे, ठीक है। आगे है, किस वेद में वैदिक युग की सबसे प्राचीनतम संस्कृति के बारे में बताया गया था? सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद ही है इसका राइट आंसर। आगे है, जौ, गेहूं, चावल तथा तंबाकू में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वैदिक काल के लोग जो है तंबाकू की फसल को नहीं जानते थे, जौ को जानते थे, गेहूं को जानते थे, चावल को जानते थे, लेकिन तंबाकू को नहीं जानते थे, ध्यान रखिएगा इसे। सबसे पहले जो उनका सबसे पहला जो फसल था, कभी कभी पूछ लिया जाता है, वैदिक आर्य समाज का सबसे पहला फसल कौन सा था? वो जौ था। क्या था? जौ था, ठीक है। आज जौ की खेती ही नहीं होती है, सब लोग गेहूं की खेती करते हैं। चलिए आगे है, चार वेदों में से सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। मानव जाति की सबसे पुराना साहित्यिक विरासत कौन सी है? तो ऋग्वेद है। सब कुछ आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, ध्यान रखिएगा। आगे है, प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? मैंने अभी भी बताया, प्राचीन भारत में लोगों को चार वर्णों में विभाजित किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अगला है, नचिकेता के यम और सुप्रसिद्ध संवाद, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है? यम और नचिकेता का एक सुप्रसिद्ध संवाद है। आप लोग अगर थोड़ा सा भी एक्टिव होंगे, बचपन में कहानियां सुने होंगे नचिकेता के बारे में, वो जो नचिकेता और यमराज का, नचिकेता के पति को यमराज जब यहाँ से लेकर चले जाते हैं, तो नचिकेता जो है यमराज के पास पहुंच जाती है और अपने पति को वापस लेकर चली जाती है, इसे ध्यान रखिएगा। नचिकेता और यमराज का जो संवाद है वह जो है कठोपनिषद में स्थित है। कहाँ पर है? कठोपनिषद में। आगे है, आयुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्व वेद तथा शिल्प वेद में से कौन सा उपवेद के अंतर्गत नहीं आता है? जो आयुर्वेद है, जो गंधर्व वेद है, जो शिल्प वेद है, सभी उपवेद हैं, लेकिन यजुर्वेद चारों वेदों में आता है, ठीक है। आगे है, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो हमारे भारतीय संस्कृति में जितने भी पुराने ग्रंथ हैं सब कुछ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो जहाँ पर यज्ञ कराए जाते हैं, धार्मिक कर्मकांड कराए जाते हैं हिंदू धर्म के, तो वेद है यजुर्वेद। कौन सा वेद है? यजुर्वेद है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट लिखे गए थे आपके सामने, इसे पढ़िएगा और थोड़ा सा उसके बाद क्वेश्चन करिएगा। मैं आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा रहा हूँ।
सबसे पहला क्वेश्चन है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था, तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए है जौ और चावल, दूध और उसके उत्पाद चावल और दालें, डी है सब्जियां और फल। तो वैदिक आर्यों का जो प्रमुख भोजन था ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, वो क्या था? दूध और दूध से बने उत्पाद, ध्यान रखिएगा इसे। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था? मैंने अभी भी बताया मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया जाने वाला अन्न कौन सा था? जौ था, इसे यव भी बोला जाता था, यव, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, दूसरे का ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो वैदिक लोग जो है सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किए थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है चांदी का, बी है सोने का, सी है लोहे का, डी है तांबा का। जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी, तांबा का प्रयोग जो है वैदिक आर्यों ने सबसे पहले किया था, ठीक है, अर्थात मनुष्य ने ही सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था, तांबा का प्रयोग किया था। अगर आपसे पूछा जाए वैदिक लोगों ने सबसे पहले किस जानवर को अपना पालतू बनाया था, तो कुत्ता था, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है ज्ञान, बी है बुद्धिमत्ता, सी है कुशलता, डी है शक्ति। जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स, वेद शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों वो होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है? मैंने अभी अभी आपको बताया था ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहा गया है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, पांचवे का, ठीक है, ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद को। अगला क्वेश्चन है आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित में से निम्नलिखित चरणों में कौन सा विकल्प सही है? अर्थात जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी वो सबसे पहले कौन सा होता था? तो सबसे पहले वर्णाश्रम होता था ब्रह्मचर्य। क्या होता था? ब्रह्मचर्य होता था। उसके बाद क्या होता था? उसके बाद गृहस्थ आश्रम होता था। उसके बाद क्या होता था? उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम होता था। वानप्रस्थ आश्रम वन में जाया जाता था। उसके बाद क्या होता था? उसके बाद जो है संन्यास आश्रम होता था, ठीक है, संन्यास आश्रम उसके बाद होता था। समझ में आपको? जो ब्रह्मचर्य आश्रम होता था 0 to 25, अर्थात 0 से 25 वर्ष तक होता था। जो गृहस्थ आश्रम होता था 25 से 50 वर्ष के लिए होता था। 50 से 75 वानप्रस्थ आश्रम होता था। डी है संन्यास आश्रम जो है 75 से 100 होता था। उस समय जो है एक मनुष्य की आयु न्यूनतम आयु 100 वर्ष मानी जाती थी, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। आर्य आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे। जो आर्य थे, आर्य के पहले भी कुछ व्यक्ति यहां पर रहते थे, उन्हें आर्यपुर की संज्ञा दी गई है। आर्य और आर्यपुरों के बीच जो है एक संघर्ष होता है, उसमें आर्य लोग जीत जाते हैं। तो आर्य किस तरीके से जीतते हैं? क्योंकि आर्यों के पास सबसे महत्वपूर्ण जो असलहा था, उनके पास आर्यों के पास जो है घोड़े वाला रथ हो गया था। अब घोड़े के रथ से दौड़ा करके 10 लोगों को मार देते थे, ठीक है। तो घोड़ों का रथ जो है आर्यों के पास आ गया था, इसलिए आर्य उस समय विजयी हो गए थे। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, सातवें का ऑप्शन नंबर डी सही है। उनके पास घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग उन्होंने कर लिया था। समझ में आया आपको? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। सबसे पहले जो वर्ण व्यवस्था होती थी, अर्थात कोई क्षत्रिय होता था, कोई ब्राह्मण होता था, कोई शूद्र होता था, कोई वैश्य होता था, वो किस पर आधारित था? मतलब वो किस तरीके से ब्राह्मण हो गया, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है व्यवसाय पर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, आठवें का सी। आप जिस तरीके का व्यवसाय करते थे, आपके पास ज्ञान होता था, आप मंत्रोच्चार करने लगते थे तो आप ब्राह्मण हो जाते थे। आपके पास बल होता था, आप तलवार लेकर के समाज की रक्षा के लिए निकल पड़ते थे तो आप क्षत्रिय हो जाते थे, ठीक है। और आप जो है व्यवसाय करके, सामाजिक व्यवसाय करके आप अपना जीवन यापन करते थे तो आप जो है वैश्य हो जाते थे। और शूद्र जो है किस कहीं पर आपके पास थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है, आप मजदूरी करते हैं, किसी के घर हरवाही करते हैं, किसी का कोई घर का काम करते हैं, गोबर उठाते हैं, वो लोग सूत्र की श्रेणी में आते थे। पहले जो ये व्यवस्था थी ये दोस्तों जो है कर्म पर आधारित था, अर्थात व्यवसाय पर आधारित था।
लेकिन आज की व्यवस्था भारत देश में बदल चुकी है। ब्राह्मण का बच्चा कितनों भी नालायक हो जाए लेकिन वह ब्राह्मण ही रहेगा, ठीक है। छत्री कितनों भी कमजोर हो जाए लेकिन वो अपने आप को राजपूत छत्री ही कहेगा, ठीक है। लेकिन ऐसी व्यवस्था पहले नहीं थी, पहले जो है व्यवसाय पर आधारित थी। आप अगर अच्छा काम करेंगे तो आप ब्राह्मण हैं, आप तलवार के माध्यम से काम करेंगे, समाज सेवा करेंगे, तो आप क्षत्रिय हैं। इस तरीके से था पहले, तो पहले की व्यवस्था बहुत सही थी। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नौवां क्वेश्चन आपके सामने है, ऋग्वेद आर्य पशुचारी लोग, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, इस तथ्य की पुष्टि होती है। ऑप्शन नंबर ए है, ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ है। बी है, अधिकांश युद्ध गायों के द्वारा ही लड़े गए थे। सी है, पुरोहितों के दिए जाने उपहार प्रायः गाय होती थी न कि जमीन होती थी। उपरोक्त सभी, जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स नौवें का ऑप्शन नंबर डी सही है। ध्यान रखिएगा, नौवें का ऑप्शन नंबर डी सही है। गाय के संदर्भ में अनेक युद्ध होते थे, पुरोहितों को गाय ही दान दिया जाता था और गाय शब्द का इस्तेमाल ऋग्वेद में बहुत ज्यादा हुआ है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है, अगला क्वेश्चन है, आर्यों की एक जाति, आर्यों को एक जाति कहने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था, प्रथम यूरोपियन कौन था आर्यों को एक जाति कहने वाला। दोस्तों मैक्स मूलर महोदय थे, कौन थे, मैक्स मूलर महोदय। मैक्स मूलर महोदय ने आर्यों को एक जाति कहा था और मैक्स मूलर महोदय ने माना था कि आर्य जो है मध्य एशिया के निवासी हैं और मध्य एशिया से भारत की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी। देखिए जनजातीय, पहले वहां पर जो जनजातियां होती थी प्राचीन काल में, वैदिक काल में, तो वहां पे जो जनजातियां होती थी तो जनजातियों में एक चुनाव होता था, उन्हीं में से एक मुखिया चुना जाता था अर्थात प्रधान जी चुना जाता था। तो मुखिया किस तरीके से चुना जाता था, किस किस आधार पर चुना जाता था, उसी को आपसे पूछा गया है। उस समय जो चुनने का आधार होता था, एक समिति बनाई जाती थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, समिति बनाई जाती थी, ठीक है। 11वें का ऑप्शन नंबर ए सही है, समिति के माध्यम से ही, समिति के माध्यम से ही मुखिया का चुनाव होता था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किस में किया गया है। राज्याभिषेक अर्थात जो राजा होता था, राजा होने के प्रथम दिन आपको एक दिन औपचारिक तो घोषणा कर दी जाती थी औपचारिक रूप से, मैं फला व्यक्ति को, फला बेटे को राजा बना रहा हूं। तो वह राजा तब तक घोषित अच्छे से नहीं होता था जब तक उसका राज्याभिषेक जो है कर्मकांड के आधार पर नहीं कराया जाता था, ठीक है। तो राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें प्राप्त होता है, इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी सही है, ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण में जो है राज्याभिषेक की बात कही गई है, सबसे पहले ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक की बात कही गई है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूला करते थे उसे क्या कहा जाता था। वैदिक युग में देखिए प्राचीन काल से आज तक जो सरकार होती है, जो राजा होते हैं, जो मुखिया होते हैं, वो जो है कुछ अलग काम कर पाए इसलिए जो है अपनी प्रजा से कुछ कर लेते थे, ठीक है। वो हमेशा कर लिया जा रहा है, आज भी आप कर भर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, आप कमाई कर रहे हैं तो आप टैक्स भर रहे हैं, आप जीएसटी दे रहे हैं, ठीक है। तो प्राचीन काल से चलता था, ठीक। पहले जो कर थे वे अनानाक ठोक दिए जाते थे, आपकी कमाई 5 रुपया है तो 4 रुपया कर ले लिया जाता था, लेकिन आज थोड़ा सिस्टमेटिक हो गया है, यही अंतर था। तो वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूला करते थे उसे क्या कहा जाता था, तो उसे बलि कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, उसे बलि कहा जाता था अर्थात बलि, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, बलि कहा जाता था जो कर वसूला जाता था। आगे है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, गायत्री मंत्र आप लोग जानते होंगे, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह मंत्र कहां से लिया गया है, यह मंत्र जो है दोस्तों ऋग्वेद से लिया गया है। कहां से लिया गया है, ऋग्वेद से यह मंत्र लिया गया है। ऋग्वेद जो है भारत देश का और पूरे विश्व का सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, ऋग्वेद से ही गायत्री मंत्र को लिया गया है। गायत्री मंत्र सर्व शक्तिमान मंत्र है, सभी शक्तियों को उसमें है। गायत्री मंत्र आप पढ़ते रहिए, आपकी हर एक चीज सफल होती रहेगी। ये तो वैसे ही बोल रहे हैं आपके ऊपर, आप चाहे जो करें, ठीक है, क्योंकि स्वतंत्र हैं आप। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते, जो भारतीय प्रतीक है 4 मुंह वाला शेर
उसके नीचे जो सत्यमेव जयते लिखा गया है अर्थात सत्य की ही विजय होती है, वह किस उपनिषद से लिया गया है? दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। यह वाक्य जो है मुंडकोपनिषद वाक्य, कैसा वाक्य है? मुंडकोपनिषद वाक्य है, इंपॉर्टेंट लगा के आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था, एसएससी सीएचएसएल में आया था 2011 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में आज्ञवल्क को हरा दिया था, आज्ञवल्क को चुनौती दी थी, ठीक है। आप लोगों ने अगर संस्कृत थोड़ा बहुत, आप 6 से 8 तक तो संस्कृत पढ़े होंगे, उसमें गार्गी और याज्ञवल्क के बारे में थोड़ी सी चर्चा कहीं पर की गई है, मुझे थोड़ा धुधला धुधला सा याद आ रहा है, मैं कभी छठी से लेकर के 10वीं तक कहीं मैंने पढ़ा था जरूर, ठीक है। तो गार्गी और याज्ञवल्क का संवाद उसमें दिया गया है, ठीक है। तो प्राचीन काल में याज्ञवल्क जो ऋषि थे वो अजय थे, उनसे कोई शास्त्रार्थ नहीं कर सकता था, लेकिन प्राचीन काल की महिलाएं भी विदुषी हुआ करती थी। विद्वान का जो स्त्रीलिंग होगा, यहां से ध्यान रखिएगा, विद्वान का स्त्रीलिंग विद्वानी नहीं होता है, विदुषी होता था। जो विदुषी होती थी वो बहुत ही महान होती थी। तो गार्गी एक ऐसी विदुषी थी जिन्होंने अजय याज्ञवल्क को चुनौती दे दिया था, आप मुझसे शास्त्रार्थ करती है और मैं आपको हराने वाली हूं, ठीक है। याज्ञवल्क और गार्गी का संवाद दिया गया है। चलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 17वें का डी है, ठीक है। 17वें का डी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता है? प्राचीन भारत में कई तरीके से विवाह होते थे, लेकिन एक विवाह था जिसे कहा जाता है गंधर्व विवाह। क्या कहा जाता है? गंधर्व विवाह कहा जाता था। उस विवाह को जो है विधि सम्मत नहीं माना जाता था। गंधर्व विवाह को आज हम लोग अपनी भाषा में लव मैरिज कहते हैं। आपको कोई लड़की पसंद आ जाती है, आप अपने घर वालों के बिना बताए आप उसे लेकर भाग जाते हैं, तो वही जो लव मैरिज वाला मैटर था प्राचीन काल में गंधर्व विवाह कहलाता था, ठीक है। शकुंतला और दुष्यंत का जो विवाह हुआ था वो गंधर्व विवाह ही हुआ था। यह विवाह जो है विधि सम्मत नहीं माना जाता था, क्योंकि कोई पक्ष आपके विवाह से संतुष्ट नहीं होता था, केवल लड़के और लड़की अपने प्रेम में यह विवाह कर लेते थे, इसी को गंधर्व विवाह प्राचीन काल में कहा जाता था। आज की डेट में इसे लव मैरिज कहा जाता है, और जो घर वालों के बात से, घर वालों के पक्ष से शादी होती है, आज की डेट में इसे अरेंज मैरिज कहा जाता है। ये तो आप जानते होंगे, बहुत ही आसान है, लोग चलते हैं फेसबुक सोशल मीडिया पर, ठीक है। चलिए आगे है, सॉरी इतने ही क्वेश्चन हमारे पास थे, जो 40 क्वेश्चन हमारे पास थे मैंने आपके सामने दिया भारतीय इतिहास का, और बहुत ही महत्वपूर्ण एक सभी क्वेश्चन थे। मैं इस तरीके से संपूर्ण कुछ आपके सामने देने वाला हूं, क्योंकि मैंने ठान लिया है आपको दिल्ली पुलिस में 100 में से 80+ दिलाकर रहूंगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपने मेरे साथ मेहनत किया तो मैं आपको 100+ 80+ दिला के रहूंगा, 100 में से 80+, और आपकी सफलता 100% श्योर कर दूंगा, ठीक है। इसी के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आप दिल्ली पुलिस बनना चाहते हैं, वीडियो अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन अगर आप दिल्ली पुलिस बनना चाहते हैं तो निशांत ज्ञान को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।